बाचा नहीं गाय कटवाते हैं, पहने बनते हैं लाल भी बन जाते हैं दलाल। गौ तस्कर जो है उनकी हिंदू खतरे में आ गया है भाई भाजपा की टीम से। आज भाजपा वालों से हिंदू खतरे में है, भाजपा वालों से हम हिंदू खतरे में है। ईब के बड़े सपोर्टर हैं तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और चार जगह पे, वो सब हिंदू हैं, अपन ब्राह्मण हैं। खुल के सुन लो, मोदी जी हाथ मिलाते हैं, 250 करोड़ का चंदा भी लिया है भाजपा, इसीलिए गादले से कट भी रही है, खुलासा है। हम कंगना राउत नहीं है, किसी बेवेशर में बड़ा बयान। सर जिस तरह से देश में अगर देखा जाए, बीते दिन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं वो एक धर्म विशेष को लेकर आती थी, लेकिन अभी हरियाणा से एक मॉब लिंचिंग की घटना आई है, आर्यन मिश्रा बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक जो घटना है ये सबके साथ होगी, ये आपके साथ होगी, हमारे साथ होगी। डराने की कोशिश की जाएगी, एक तरफ ये योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ काट दिया गया, तो क्या ये करने के लिए ये बयान दिया गया था? उसके पिता का बयान सुना है आपने, जो इन बेशर्मों को अधिकार दे दिया है गोली चलाने का? मुंबई वाले कांड में तो बड़ा मजा आ रहा था, जो ट्रेन में बुजुर्ग को मारा गया उसमें बड़ा मजा आ रहा था। उस बुजुर्ग ने क्या कहा? किनको अल्लाह देखेगा, मैं नहीं जानता। इतनी बेशर्मी! आज हमारे बच्चे सड़कों में सेफ नहीं है। कौन गौ तस्कर, कौन हिंदू सेना, कौन सा बजरंग दल, कौन सा, और ये सब दलाल बेशर्म आ गए अस्थमा लोग। लेकिन आप जिस तरह से जितने जतिन सिंघानंद थे आस्था मानते, क्यों बोलती बंद हो गई? क्यों आ रहे हैं मिश्रा यंत्र मंत्र पे नहीं आ रहे हैं आप लोग? तो क्यों वो इनके दलाली का पैसा का मामला है? ये गाय बाचा जा रहा है, ये गाय कटवाते हैं, पहने बनते हैं लाल भी बन जाते हैं दलाल। सीमा हैदर के मामले में कितने राइट विंगरों ने फंडिंग बटोरी है हिंदुओं से, सीमा हैदर को हम ये करेंगे वो करेंगे, कितने लोगों ने पैसा बटोरा है? ये धंधा बना दिया गया है। जा पूछो उस परिवार की हालत जिसके परिवार से बेटा गया है। और सुनिए, ये दलाल बेशरम लोग बोलते हैं कि भाजपा यहाँ होता तो बोलते, और कहीं होता तो नहीं बोलते हो। बात की जा रही है जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं की जा रही हैं, आपने जोर दिया कि उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं, जो बटेंगे जो कटेंगे का जो उनका स्लोगन आया, अब तक नहीं कटे हैं मकान ही तोड़ा अयोध्या में, मकान ना टूटा हुआ हिंदुओं का, या हिंदुओं पर अत्याचार ना हुआ हो, कि शिक्षक भत्तर में लाठी ना खाए हो, कि नीट पेपर में लाठी ना खाए हो, या अभी लाठी ना खाए हो। अभी भी 69,000 जो अभी रेप के मामले में कोलकाता में मामला हुआ तो वहाँ के लाठीचार्ज पे विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश ने पुलिस के लिए लाठी बांधी, उसका कोई नामो निशान नहीं लिया। वहाँ रेप पीड़िता के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पुलिस लाठी बांध रही है। वारे उत्तर प्रदेश के पुलिस, वारे रामराज, दलालों बेशर्मो, मजाक बना के रख दिया गया है। बच्चा पढ़ने जाएगा तो गौ तस्कर मार देंगे, उसको नहीं पता था गौ तस्करों की ये कौन है, अंधा था, लंगड़ा था, पुलिस को खबर की। गौ तस्कर जो है उनकी हिंदू खतरे में आ गया है भाई भाजपा की टीम से। आज भाजपा वालों से हिंदू खतरे में है, भाजपा वालों से हम हिंदू खतरे में है। देश मजबूत हाथों में है, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? दौड़ाए गोली मार दी जा रही थी तो मजबूत हाथ में है क्या? तो नाम पंडित जी नहीं, लेकिन बात की जा रही क्यों? और वही जब गाय सड़कों में कूड़ा खाती है, पन्नी खाती है, तो इनको तो सुर को तरस नहीं आती है। उनके नामे फंड लेंगे और हम जा रहे भाइयों को हत्या करेंगे। बहुत से लोग मारे गए, बड़े गर्व से कहते हो कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, कि मिल रहा है ना 5 किलो राशन, तो खुश रहो। अयोध्या में मकान तोड़ा गया, बनारस में तोड़ा गया, हर जगह तोड़े जा रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा? लेकिन कोर्ट टिप्पणी करता है भाई, फैसला नहीं देता। कोर्ट टिप्पणी ना दे, फैसला दे कि बुलडोजर अब नहीं चलेगा, इस देश में बुलडोजर कानून नहीं चलेगा, फैसला दे दे। अब फिर मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, नाहिर जुनैद की हत्या याद होगी, इखलाक पहलू खां, एक दलित मारा गया था राजस्थान में गौतसर से हाथों, हरियाणा में एक हिंदू भाई मारा गया था मुसलमान समझ के,
कांवड़ यात्रा में एक टोपी पहनने संघ का आदमी मार खाया था, ये हिंसा कहाँ से आ गई? इन लोगों को छूट किसने दी है? इनके लिए कानून क्यों नहीं बनता है? इन दलालों के लिए फांसी की सजा क्यों नहीं मुकर्रर की जाती है? आपको लग रहा है कि इस देश में सिर्फ गौ तस्कर मुसलमान ही है? अच्छा ये बताओ, चार जो बीप के बड़े सपोर्टर हैं तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और चार जगह पे, वो सब हिंदू हैं, अपन ब्राह्मण हैं। खुल के सुन लो, मोदी जी हाथ मिलाते हैं, 250 करोड़ का चंदा भी लिया भाजपा, इसीलिए गाद हल्ले से कट भी रही है, खुलासा है पूरा, भाजपा के ही लोग हैं। और आपको बता दें कि यूपी में तो संगीत सोम भी रहा है एक कंपनी में, थोड़ा पार्टनरशिप में है जो भाजपा में है, तो भाजपा दलालों से भरी हुई है जितने भी गौ तस्कर उस्कर हैं। और इनके यहाँ के तो लोग कहते हैं कि हम गाय खाते हैं, आई टेस्टी बीफ, तो क्या किया जाए भाई? और उसी गाय के नाम पर किसी मासूम की हत्या कर दी जाती है तो कोई भाजपा का आदमी नहीं बोलता है, कोई संघ का आदमी नहीं बोलता। भाई संस्थाओं को रद्द कर देना चाहिए, संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाके इन संस्थाओं की असलियत जाननी चाहिए कि इनकी फंडिंग कहाँ से हुई। आप और हम भी सेफ नहीं रहेंगे। कौन लोग हैं जो इनका बढ़ावा दे रहे हैं? भाजपा, खुले तौर पे भाजपा, अब भाजपा के ही नेता शामिल होते हैं, जैसे कन्हैया लाल में कौन शामिल था? भाजपा के ही पार्टी का आदमी मुस्लिम, इसको माला और फूल पहनाया गया था। तब ISI एजेंट कौन पकड़ा गया था? भाजपा का मीडिया सेल प्रभारी कश्मीर का। तो भाजपा के लोग तो शामिल होंगे ही सबसे लगभग। और हम इस हत्या का, हम मुआवजे की मांग करते हैं, हम कम से कम 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग, हमने हर लिंचिंग बे मुआवजे की मांग की है, दलित के लिए ही मांग की थी, मुस्लिम के लिए ही मांग की है, जो एक बच्चा को पीट पीट के मार दिया गया था, मेघराम याद है, मेघवाल कुछ नाम था, उस बच्चे को पीट पीट के मार से फीस के लिए मारा गया था, हमने उसके नाम पे स्कूल, रोड और उसके नाम पर उसके परिवार वालों को पूरा पैसा देने तक की बात की थी, उनको पैसा भी दिया जाए। हम कंगना राउत नहीं है किसी बेशर्मी भरा बयान दिया, और हमने नारे जुनैद की भी ये मांग की थी, और हम इनके लिए भी मांग करते हैं कि सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस बच्चे के परिवार को दे, और एक रोड उसके नाम पे हो, शहीद के नाम पे उसके लिए रोड बनवाई जाए, जो किसी मानी सी बात है, और लिखा जाए कि गौ तस्करों द्वारा उसकी हत्या द्वारा शहीद किया गया, गौ तस्करों द्वारा शहीद किया गया, ये लिखे उस बोर्ड पे, तब जाके बाद में